90 रखोगे तो स्लोप की वैल्यू क्या आएगी, इन्फिनिटिव यानी कि मैक्सिमम। तो आप क्या कर रहे हो, जीरो से लेकर मैक्सिमम की ओर जा रहे हो। तो जब आप जीरो से मैक्सिमम की ओर जाओगे तो उसे आप बोलते हैं इंक्रीजिंग। ऐसे ही जब आप जीरो से लेकर मैक्सिमम से लेकर जीरो की ओर जाओगे, मैक्सिमम से लेकर जीरो की ओर, मैक्सिमम कहाँ है, यहां पर ये जो टेंजेंट खींचोगे आप इसके, वो ऐसे कुछ होगा, इसके परपेंडिकुलर होगा एक्सेस के। तो 90 बन रहा है इसलिए 10 90 मैक्सिमम। तो मैक्सिमम से जब आप जीरो की ओर जा रहे हो, जीरो क्यों होगा, क्योंकि ये एक्स एक्सिस के पैरेलल बनाएगा, तो 10 थीटा जीरो हो जाएगा और वैल्यू जीरो। तो मैक्सिमम से जब भी मिनिमम की ओर जाओगे तो वो डिक्रीजिंग होगा। अब ऐसा आप कैसे भी देख सकते हैं, आपको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ज्यादा ध्यान में रखने की कोई जरूरत ही नहीं है। यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपने देखा कि ये इंक्रीजिंग होगा या फिर डिक्रीजिंग होगा, तो आपको यूवीएल में, ये यूवीएल का केस है, तो बस आप, मैं कर्व यहाँ पर समझा रहा हूँ, तो आपको पता चल गया कि आपको इंक्रीजिंग जाना है। अब आपको एक चीज इसमें क्लियर हो जाएगी कि अब एक चीज में कन्फ्यूजन होता है कि यूवीएल में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कैसे लें। बस यहाँ पर मैं इतना ही समझा रहा हूँ कि अगर आपको इंक्रीजिंग लेना है, आपको पता है कि बीएमडी में इंक्रीजिंग कर्व लेना है, तो आप कैसे लेंगे, आप कुछ यहाँ से जीरो से मैक्सिमम की ओर जाएंगे, तो यहाँ पर जो वैल्यू होनी चाहिए वो जीरो होनी चाहिए। अब जीरो कब होगी, जब वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, तो कर्व कुछ ऐसा बनेगा यहाँ से। अब यहाँ पर आपको पता चल गया वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए, तो जो टेंजेंट होगा वो एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर होना चाहिए। अब एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर कब होगा, जब आपने कर्व कुछ ऐसा बनाया, तो तब जाके इंक्रीजिंग बना। डिक्रीजिंग कैसे बनता है, डिक्रीजिंग अगर होता है, अगर हमें पता होता कि ये डिक्रीजिंग कर्व है, तो हम क्या करते, यहाँ पे से हम पहले मैक्सिमम से जीरो की ओर जाते। तो मैक्सिमम के लिए हमारे पास परपेंडिकुलर होना चाहिए, और यहाँ पे इसके लिए जीरो के लिए, जीरो के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। तो कैसे बनता, कुछ ऐसे बनता, ठीक है ना। तो ये आपके लिए डिक्रीजिंग हो जाता, पर यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इंक्रीजिंग हुआ इस न्यूमेरिकल में। नाउ इतना अगर आपको समझ में आ जाता है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का कॉन्सेप्ट, तो आगे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। तो इन दो क्वेश्चनों के आंसर मैं दे चुका हूँ, हाउ टू टेक स्लोप, ठीक है। हाँ, हाउ टू टेक स्लोप अभी बताऊंगा, क्योंकि यूडीएल और यूवीएल का ही केस ऐसा है जिसमें आपको कर्व लेना पड़ता है, स्लोप लेना पड़ता है। तो यहाँ पर है आपके पास, व्हेन एसएफडी बीएमडी विल इंक्रीज, कब एसएफडी की वैल्यू इंक्रीज होगी और कब बीएमडी की वैल्यू इंक्रीज होगी, जब यूवीएल और यूडीएल होगा। तो आइए देखते हैं उसको। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यूडीएल की, यूडीएल की, तो जिसमें क्या होगा, यूडीएल में आप स्लोप कैसे लें, कैसे आपको पता चलेगा इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, बेंडिंग मोमेंट का डायग्राम या फिर शेयर फोर्स डायग्राम का, तो आपको पता चल जाएगा। देखते हैं कैसे, द स्लोप इज मेड इन बीएमडी ओनली, स्लोप आपको किस में बनता है, सिर्फ और सिर्फ बीएमडी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में। तो इसी में ही आपको पता होना चाहिए कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कैसा होता है। आपको शेयर फोर्स डायग्राम में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां पर सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट लाइन बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो आप देख सकते हैं यूडीएल के जितने भी केस होंगे उसमें एसएफडी में आपका स्ट्रेट लाइन बनता है और बीएमडी में स्लोप बनता है। तो स्लोप की समझने की जरूरत सिर्फ बीएमडी में है। इफ एसएफडी इज इंक्रीजिंग देन बीएमडी विल आल्सो इंक्रीज एंड वाइस वर्सा, ठीक है ना। तो यहां से हमें एक चीज पता चलती है, अगर शेयर फोर्स डायग्राम की वैल्यू इंक्रीज कर रही है, तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की वैल्यू इंक्रीज करेगी सिर्फ और सिर्फ यूडीएल में। यूवीएल में ऐसा नहीं होता, यूवीएल का कुछ और केस है। जैसे यहाँ पर देखिए, आपके पास यूडीएल है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटिव लोड, तो इसमें क्या हो रहा है, शेयर फोर्स की वैल्यू इंक्रीज कर रही है। कैसे पता चलेगा शेयर फोर्स की वैल्यू इंक्रीज कर रही है, कैसे पता चलेगा, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो ये इंक्रीज कर रही है, यानी कि आपको पता चल रहा होगा, साफ सी बात है, इंक्रीज कर रहा है, वैल्यू इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि ऊपर को स्लोप जा रहा है। अगर स्लोप नीचे को जाता तो डिक्रीजिंग होता, या फिर ऐसे जाता तो भी इंक्रीजिंग होता, और ऐसे आता तो डिक्रीजिंग होता। तो यहाँ पर आपको साफ सी बात समझ में आ रहा है कि एसएफडी तो इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग है, ठीक है ना। सबसे पहले से आपको टेंजेंट बना, मतलब स्लोप पता है कि वो इंक्रीजिंग है। अब दिक्कत आती है कि यहाँ पर कैसे लें, तो जैसा ही एसएफडी में होगा इंक्रीजिंग, यहाँ पर भी इंक्रीजिंग लेना है। और इंक्रीजिंग लेते कैसे हैं, इंक्रीजिंग स्लोप बनाते कैसे हैं, आपको पता है, इंक्रीजिंग स्लोप के लिए आपको सेम यहाँ से जीरो से लेकर मैक्सिमम की ओर जाना होगा। अब जीरो कब जाएंगे, जब आपके पास एक्स एक्सिस के पैरेलल आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। तो टेंजेंट आपने ड्रॉ कर दिया एक्स एक्सिस के पैरेलल, और यहाँ पर जब आप टेंजेंट परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, और फिर उसके बाद स्लोप बनाएंगे। परपेंडिकुलर क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जीरो से आपको मैक्सिमम की ओर जाना है, तभी वो इंक्रीजिंग हो पाएगा। और इंक्रीजिंग क्यों होगा, क्योंकि शेयर फोर्स डायग्राम की वैल्यू यूडीएल के केस में जैसी होगी वैसी ही आपको लेनी है। अगर डिक्रीजिंग होगी तो डिक्रीजिंग लेनी है,
इंक्रीजिंग होगी तो इंक्रीजिंग ही रहनी है, यहाँ पर आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। अब यूवीएल का केस जो आता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और समझने में आसान नहीं है। यूडीएल के अगर और एग्जाम्पल समझें आप, तो यहाँ पर भी यूडीएल का एग्जाम्पल है। इससे आपको क्या पता चला, ये इंक्रीजिंग स्लोप है। कैसे पता चलेगा, सेम वही एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस में क्या हो रहा है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ये है, अब ये इंक्रीजिंग हो रहा है। क्यों इंक्रीजिंग हो रहा है, क्योंकि वैल्यू बढ़ रही है, अगर नीचे को आता तो वैल्यू घट रही थी, डिक्रीजिंग होता। इन वैल्यू को नहीं देखना है आपको, इन वैल्यू से आप कंफ्यूज हो सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ स्लोप को देखना है, जैसे ये इंक्रीजिंग और ये डिक्रीजिंग। तो यही इंक्रीजिंग है, तो यहाँ पर भी ये क्या बनेगा, इंक्रीजिंग ही बनेगा। और इंक्रीजिंग कैसे बनेगा, यहाँ पर एक्स एक्सिस के पैरल जीरो से लेकर मैक्सिमम की ओर जाना है, तो जीरो से लेकर मैक्सिमम, तो जीरो मैक्सिमम कब होगा, जब ये परपेंडिकुलर बनाएगा, यहाँ पर बनाया गया है, परपेंडिकुलर बनाएगा तो मैक्सिमम वैल्यू होगी टेंजेंट की, स्लोप की। तो ऐसे करके आप जाएंगे, ठीक है। और नेक्स्ट एग्जांपल आप देख सकते हैं, ये इंक्रीजिंग है तो ये भी इंक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग कैसे, जीरो से मैक्सिमम, यहाँ पर ये इंक्रीजिंग है तो ये भी इंक्रीजिंग होना चाहिए। इंक्रीजिंग कैसे, जीरो से मैक्सिमम, जीरो कब होगा, जब पैरेलल होगा एक्स एक्सिस के, और वाई एक्सिस के जब परपेंडिकुलर होगा, ये एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा स्लोप, तो मैक्सिमम होगा। नाउ ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन क्यों है, क्योंकि 1 डिग्री ज़्यादा होता है, हमने पढ़ा इससे पहले, 1 डिग्री ज़्यादा होता है, तो ये हॉरिजॉन्टल है, इससे 1 डिग्री ज़्यादा बीएमडी में होगा। अब यूवीएल के केस में क्या होता है, जो शेयर फोर्स डायग्राम होता है उसमें भी आपके पास कर्व बनता है, स्लोप बनता है, और बीएमडी में भी स्लोप कर्व बनता है, तो दोनों में आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का पता होना जरूरी है। अगर आप ऐसे बोलें कि शेयर फोर्स डायग्राम अगर इंक्रीजिंग है तो बीएमडी भी इंक्रीज करेगा, ऐसा नहीं होता, जैसे कि हमने यूडीएल में पढ़ा था। यूवीएल में अगर शेयर फोर्स डायग्राम इंक्रीज कर रहा है तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम डिक्रीज भी कर सकता है, और शेयर फोर्स डायग्राम डिक्रीज कर रहा है तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इंक्रीज भी कर सकता है। ये एक दूसरे के अपोजिट भी हो सकते हैं और एक जैसे भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर हम दूसरा तरीका अपनाते हैं कि कैसे हम पहले तो शेयर फोर्स डायग्राम का क्लियर हो जाए और फिर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का कर्व क्लियर हो जाए, कि वो इंक्रीजिंग होगा या फिर डिक्रीजिंग होगा। और कर्व बनाना तो आपको आता है, इंक्रीजिंग कैसे बनता है और डिक्रीजिंग कैसे बनता है। तो SFD के लिए स्लोप चेक करते समय, या फिर कर्व इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग, उसके लिए आप लोड का डिफरेंस लेते हैं, और जबकि BMD के लिए जो शेयर फोर्स का डिफरेंस होगा उसको लेते हैं। अगर वो पॉजिटिव रहा तो इंक्रीजिंग स्लोप, अगर नेगेटिव रहा तो डिक्रीजिंग स्लोप, पॉजिटिव रहा तो इंक्रीजिंग, सेम ऐसे नेगेटिव रहेगा तो डिक्रीजिंग स्लोप। अब बात करते हैं लोड के लिए डिफरेंस कैसे लें और वो ए पॉइंट कहाँ होगा। तो ए पॉइंट हमेशा लेफ्ट में होना चाहिए, और बी पॉइंट आपके पास इसमें ए हमेशा लेफ्ट पॉइंट रहेगा और बी राइट पॉइंट रहेगा। जैसे यहाँ पर समझते हैं SFD का, जैसे आपके पास आपको इसका स्लोप निकालना है कि ये इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा, तो सबसे पहले आपको पता है ये W लोड है और ये जीरो है। अब आपको लोड का डिफरेंस चेक करना है, जिससे आपको SFD का स्लोप पता चलेगा। तो यहाँ पर आपको इसको ए पॉइंट मानना है, लेफ्ट पॉइंट को, और बी पॉइंट को, बी को राइट पॉइंट मानना है। तो ए माइनस बी करना है, डब्ल्यू माइनस जीरो, जीरो है, डिफरेंस चेक करना है तो डब्ल्यू आ गया, ठीक है ना। तो डब्ल्यू आ गया यानी कि ये पॉजिटिव का है, पॉजिटिव का होगा तो मैंने कहा इंक्रीजिंग स्लोप, पॉजिटिव का होगा तो इंक्रीजिंग स्लोप, तो ये इंक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग कैसे है, क्योंकि मैक्सिमम से जीरो से मैक्सिमम की ओर जा रहा है। नाउ यहाँ पर क्या जा रहा है, मैक्सिमम से जीरो की ओर। डिक्रीजिंग क्यों हुआ, यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें फिर से डिफरेंस लेना होगा, ये जीरो है ये डब्ल्यू है, तो जीरो माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू, तो ये क्या हो गया, डिक्रीजिंग स्लोप, तो इसलिए ये डिक्रीजिंग है और ये इंक्रीजिंग है। ऐसा ही एक और केस ले लेते हैं, एक और केस लें, अगर एक और एग्जांपल है, यहाँ पर देखो डब्ल्यू लोड है, डब्ल्यू लोड काम कर रहा है और ये जीरो है, ए माइनस बी, डब्ल्यू माइनस जीरो पॉजिटिव डब्ल्यू आएगा, तो पॉजिटिव रहता है तो इंक्रीजिंग होता है, इंक्रीजिंग ही है। अब बीएमडी का कैसे करें, बीएमडी का स्लोप आपको, उससे पहले जरा बीएमडी का स्लोप बताते हैं। तो बीएमडी में कैसे होगा, बीएमडी के लिए आपको इसका डिफरेंस लेना है। अब ये जो है ये नेगेटिव में है, ये जो वैल्यू होगी ये नेगेटिव में होगी, तो माइनस डब्ल्यू एल प्लस फोर, ठीक है, सॉरी आपको डिफरेंस लेना है ए से बी पॉइंट। अब इसको ए मान लिया, इसको बी पॉइंट मान लिया, तो ये हो जाएगा जीरो और ये माइनस है, तो जीरो माइनस डब्ल्यू एल बाई फोर। माइनस क्यों है, क्योंकि ये नेगेटिव वैल्यू वाला है, नेगेटिव साइड है बेस लाइन के, तो डिफरेंस लेना है, तो ये आपको इसमें डिफरेंस नहीं लेना, अगर जो नेगेटिव है उसको नेगेटिव लेना है, जो पॉजिटिव है उसे पॉजिटिव ही लेना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा,
जीरो माइनस डब्ल्यू, ये माइनस की वैल्यू आएगी, और माइनस की वैल्यू आएगी तो डिक्रीजिंग स्लोप, तो ये जो स्लोप होगा वो डिक्रीजिंग होगा। उसके बाद यहाँ से आप ए से इसको ए पॉइंट मान के, इसको बी पॉइंट मान के, तो डब्ल्यू एल बाई फोर माइनस जीरो वो हो जाएगा पॉजिटिव, माइनस करो या प्लस करो कुछ भी करो, सेम साइड भी मान सकते हो आप डब्ल्यू को, जीरो को, तो जीरो माइनस करो या प्लस करो इंक्रीजिंग ही आएगा, तो ये आपके पास इंक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग कैसे है, ये डिक्रीजिंग कैसे है, डिक्रीजिंग क्योंकि मैक्सिमम से मिनिमम, ये मिनिमम से मैक्सिमम, ठीक है ना, ये मैक्सिमम से मिनिमम। नाउ नेक्स्ट केस की बात करते हैं, अगर हमारे पास कोई इस तरीके से है, इसमें हमारे पास पता चल रहा है ये इंक्रीजिंग है, क्यों, क्योंकि डब्ल्यू माइनस जीरो, डब्ल्यू माइनस जीरो पॉजिटिव तो इंक्रीजिंग। इसके बाद इसमें शेयर फोर्स की वैल्यू डब्ल्यू एल माइनस टू, डब्ल्यू एल बाई टू माइनस जीरो इंक्रीजिंग, तो ये भी इंक्रीजिंग बना। एक और एग्जाम्पल लें, अगर इसमें डब्ल्यू वैल्यू है और यहाँ पर डब्ल्यू एल बाई सिक्स है, तो आपको इसका डब्ल्यू और डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू एल बाई सिक्स करोगे तो पॉजिटिव की वैल्यू आएगी, तो ये पूरा आपके पास इंक्रीजिंग स्लोप बना है। उसके बाद सॉरी, इसके बाद बीएमडी के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ शियर फोर्स का चेक करना होगा, जीरो माइनस डब्ल्यू एल बाई सिक्स कितना होगा माइनस का, तो ये डिक्रीजिंग स्लोप। डिक्रीजिंग क्यों है, क्योंकि मिनिमम से मैक्सिमम से मिनिमम की ओर जा रहा है, और उसके बाद इंक्रीजिंग क्योंकि डब्ल्यू एल बाई थ्री माइनस जीरो, ए से बी की ओर जाना है, तो वो हो जाएगा इंक्रीजिंग क्योंकि प्लस का है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।